नमस्कार। बड़े बड़े बातों में या बड़े बड़े कामों में छोटी छोटी बातें होती ही जाती हैं। यह हमारा शरीर स्वस्थ रखने के लिए तीसरा मूल मंत्र ऐसा है, सुनिए। पहला, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फॉरवर्ड करिए तो अगला वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा। तीसरा मूल मंत्र मल, मल यानी टॉयलेट, मूल मूत्र यानी बाथरूम, सिंक हम जब सिंकते हैं, आश्रु जांभई झोप, उल्टी ढेकर भूख तहान यानी प्यास, ये सब अपन वायु के तत्व है। जब हमें टॉयलेट आती है तो टॉयलेट में जाना चाहिए, वो रोकना नहीं चाहिए। जब हमें बाथरूम आते हैं तो बाथरूम भी करना चाहिए, वो भी रोकना नहीं चाहिए। जब हमें सिंक आती है नाक से, वो सिंक रोकना नहीं चाहिए। रोकते हो तो जो अंदर के कीटाणु बाहर पड़ना चाहते हैं वो अंदर ही रहकर हमारा शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इसके वजह से सिंकना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर के जो कीटाणु हैं वो बाहर पड़ जाते हैं। अश्रु, आँख में जो अश्रु आते हैं तो अश्रु बहने दो, वो भी रोको मत, क्योंकि जो आँख में कोई कोई कीटाणु रहता है, कचरा रहते, वो अश्रु के तरफ से बह जाती है, वो बहने दो, शरीर के लिए अच्छा है। जांभई, जब हमें आलस आता है तब जांभई आती है, यानी नींद आती है तब भी जांभई आती है, वो जांभई भी देना चाहिए, क्योंकि हमारी हवा, जो हवा बाहर पड़ती है अंदर की, वो खराब हवा है, वो खराब हवा जांभई की वजह से बाहर आती है। वो खराब हवा क्या, हमें हम क्या बोलते हैं, कार्बन। और नींद झोप, हमें जब आँख में नींद आती है तब हम नींद उड़ा के दूसरा कुछ काम करते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हमें नींद आती है तो 10 मिनट 20 मिनट लेना चाहिए दिन का, रात का तो कितना घंटा होता है वो लेना चाहिए। और उल्टी, उल्टी ऐसी नहीं आती, किसी का किस खतरनाक बास आता है या खाना ज़्यादा खाते हैं तो उल्टी आती है, तो उल्टी भी रोकना नहीं चाहिए। वो उल्टी आती है तो उल्टी करना ही चाहिए, क्योंकि शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, आती है तो करना चाहिए। और नहीं आती तो ऐसा नहीं कि हम हाथ डाल के उल्टी निकाले, ये नहीं। ढेकर, ढेकर कभी आता है जब हम खाना खाते हैं और हमारा पेट भर जाता है, हम समाधानी हो जाते हैं, तब ढेकर आता है। लेकिन कोई कोई ऐसा होता है ढेकर दे नहीं पाता, लेकिन जब आता है ढेकर तो देना चाहिए। और भूख, जब हमें भूख लगती है तब हमें खाना खाना चाहिए। खाना होता है डब्बे में, लेकिन भूख लगती है तब हम दूसरा काम वगैरह करते हैं, तो काम साइड में रख के जब भूख लगती है तो टाइम से खाना खाना चाहिए। और प्यास, हमें प्यास लगती है तो टाइम से पानी पीना चाहिए। शरीर के अंदर पानी की कमतरता होती है तब भी हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो तहान लगती है तो तहान भूला नहीं सकते हम, भूल नहीं कर सकते, भूल कर हम बाद में पानी पी जाएंगे, बाद में प्यास बुझाएंगे तो ये नहीं, प्यास लगते तो पानी पीना चाहिए। और ये सब क्या है, अपान वायु के तत्व है। इसे अपान वायु, ये हम बोलते हैं अपान वायु क्या है, ये अपान वायु होते हैं। अपान वायु जब, जो वेग है अपान वायु का, श्वास का जो वेग है वो वेग स्वाभाविक वेग है, वो स्वाभाविक वेग को हम कभी भी रोकना नहीं चाहिए, रोकोगे तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।